शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये एवन है ना, थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। आई मीन कोई पहली बार अकेली थोड़ी ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मोस्ट इस ट्रेन में, ये तो समझ लो मेरा सेकंड होम है जी। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो, आपसे बात कर रही हूँ। अरे ये सीट मेरी है, 23। कमाल है। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट जो है ना कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं, मगर मेरा फंडा ये है कि मेरा सफर है ना इस ट्रेन के साथ खत्म नहीं होता। आगे जाना है मुझे भटिंडा, वहाँ घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या, क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए। आई थी पता है कब, जब मुंबई बॉम्बे था, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट टीजर्स बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल। मुझे कसम है आज के बाद मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहूंगी। आई होप बरसात के आने से पहले ये रोड्स की डिगिंग बंद हो जाए, वरना पता है क्या होगा। एनीवेज क्या हुआ, अरे भाई साहब, टिकट प्लीज। हेलो भाई साहब, पहला अंदर आइए, आइए आइए और टिकट दिखाइए। ये तुम्हारी टिकट देखना चाहते हैं। टिकट कहाँ है, टिकट मेरे पास टिकट नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है कि इनका प्लान जो है ना लास्ट मोमेंट पे बना, इसलिए टिकट खरीदने का टाइम नहीं था। वैसे ट्रेन काफी खाली जा रही है, तो आप अब इनकी टिकट बना दीजिए, नो प्रॉब्लम है ना भाई साहब। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? कहाँ की टिकट बनाऊं? हेलो, कहाँ तक जा रही है ये ट्रेन? क्या लास्ट स्टॉप दिल्ली? दिल्ली की टिकट बनाइए। देखिए मैं बता ही दूं, इनके साथ एक हादसा हुआ है, बुरा वक्त है, तभी ये दिल्ली। क्या बॉस, चक्कर क्या है, ड्रग शक्स लिए क्या? देखो लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, आई डोंट माइंड, बता दो। बड़े सारे दोस्त मेरे मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उन्हें सॉल्व कर देती हूँ। पता है मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ, एग्नियार्स होती है ना मैगजीन्स में आर्टिकल्स आती है वैसी। बात क्या है बताओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है,
बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार। तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बोलती जा रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रॉथल में। आई जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? सो जस्ट प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? ब्रॉथल वाली बात ठीक नहीं थी क्या? देखो मेरा मुझे पता है, क्लियरली तुम महा अपसेट हो किसी बारे में, इसलिए तुम मुझ पर भी अपसेट हो गए और बकवास करने लगे। मगर इट्स ओके, हाँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ, लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है, जाके पैरों में गिर जाना है उनके, माफ तो करना ही पड़ेगा। मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है। बाइक और एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए। जबकि ना जूते अच्छे नहीं मिलते, तभी तो मैं से कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ओह, मेरी गलती है, बेशरम। मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। ओके, थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की। अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज? पीछा छोड़ोगी? अच्छा, इतना आसान नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे, मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ। जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी हूं मैं भटिंडा की। अरे भाग रहे, अरे पकड़ो उस आदमी को। चोर चोर चोर, अरे चोर, अरे चोर को पकड़ो, नालायक, वर्दी उतार के फेंक दे। अरे जल्दी करो, अरे हाँ, चलो 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 चलो। ओम भूल स्वाहा, अरे हाँ सुन ली ऊपर वाले ने, अब चलो।
ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे हम? ट्रेन तो आप कैसे भी नहीं पकड़ेंगे। रतलाम अगला स्टेशन है 100 किलोमीटर। गाड़ी रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? ओह गॉड, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अंदर चलो। है? चलो। अरे अरे क्या 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 कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर कुछ भी टूटेगा पूरा डैमेज ये देंगे। तो टेंशन मत लो, मैं दिलवा दूंगी। अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया तो अरे कुछ नहीं होगा। अरे कहां पैसे? कहां भाग रहे हो? अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। अरे अरे कहां भाग रहे हो? अरे वो मेरे पैसे थे। जवान देखो, मेरी और मदद करने की तुम बिल्कुल कोशिश मत करना प्लीज। मैं अकेला बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे पैसे यार। अरे पैसे तो मेरे। अरे रुको यार, भाग चलेगा। एक सेकंड। मैडम आप तो कह रही थी पैसे बारो करने, पानी लेने। अरे ट्रेन में रिटर्न करती हूँ। और है ना, पूरे है ना, पूरे पूरे। देख मैं तुझे तेरे पैसे दे रहा हूँ तो चुपचाप खड़ा रहे, समझा? पानी सांस बंद हो गई। माय गॉड, खोला छोड़ा सब अपनी जगह पर है, बस पानी का काम पानी ही करता है। कहते हैं ना वैसे ही बोलना फ्री, पर अब वैसे पानी तो फ्री रहा नहीं। कितने का है? 14 रुपये। क्यों, रेलवे के दाम तो कम होते हैं? यही रेट है मैडम। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है, हैं? उल्लू बनाते हो? 2 रुपये के लिए इतनी झिकझिक? 2 रुपये कुछ नहीं होते तो चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी और क्या, और कहते हो मैं झिकझिक कर रही हूँ? पैसे वापस दो। Oh.